सेना में नई भर्ती योजना का विरोध लगातार जारी। और देखिए बिहार की अगर हम बात करें तो यहाँ के जहानाबाद में आज सुबह से ही छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच ताजा खबर यह है कि जहानाबाद में पत्थरबाजी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि पत्थरबाजी शुरू हुई, पुलिस को कंट्रोल करने में काफी दिक्कतें हुई, छात्र पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। और इससे पहले छात्रों ने सुबह सुबह ही रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन किया और ट्रेन रोक दी, जबकि काका मोड़ इलाके में छात्रों ने टायर जलाकर सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया। जब पुलिस कार्रवाई करने के लिए पहुंची, इन छात्रों को वहां से हटाने के लिए पहुंची, तो उन छात्रों ने पुलिस पर पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया, तो पुलिस ने लाठियां तक भांजी। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, लाठियों से डराकर, लाठियां चलाकर पुलिस ने इन लोगों को वहां से हटाने की कोशिश की। देखिए पुलिस की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की जा रही है, ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। ये रेलवे स्टेशन की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और रेलवे स्टेशन पर पुलिस की टीम पहुंचती है, वहां पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन वो वहां से नहीं हटते हैं। ऐसे में पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की जाती है और पुलिस भी जवाबी कार्रवाई में लाठियां चलाती है और साथ ही पुलिस लगातार इस पूरे सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, जद्दोजहद में जुटी हुई है, क्योंकि रेल रोको अभियान के तहत रेल रोक दी गई, ये लगातार छात्रों की तरफ से किया जा रहा है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, पुलिस की तरफ से भी लाठियां और पत्थर चलाए जा रहे हैं क्योंकि उस तरफ से भी पत्थरबाजी हो रही है। रेलवे ट्रैक पर जैसे ही ये छात्र पहुंचे उन्होंने ट्रेन रोक दी। इस तरह प्रदर्शन करते हुए छात्रों ने अपना विरोध दर्ज कराया है, सड़क पर टायर जलाकर गुस्सा निकाला। और ये एक्सक्लूसिव वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं, सबसे पहले एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं, छात्रों ने रेलवे ट्रैक पर उतरकर जमकर नारेबाजी की। हमारे सहयोगी रंजीत हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। रंजीत, काफी मशक्कत करनी पड़ी पुलिस को पूरे हालात को नियंत्रण करने के लिए, ऐसे में उस तरफ से जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे वहां से पत्थर भी चले। जी, जमकर पत्थरबाजी हुई है। पहले छात्रों का आंदोलन रेलवे ट्रैक और सड़क पर सड़क तक ही सीमित था, उसके बाद देखते ही देखते छात्र उग्र हो गए और पत्थरबाजी करने लगे। पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी बाल बाल बचे हैं और हल्की कई लोगों को चोटें आई है, मीडिया कर्मी बाल बाल बचे हैं और पुलिस ने पत्थरबाजों को खदेड़ दिया है और अब रेलवे ट्रैक को सुचारू कराने की कोशिश की जा रही है। अभी रेलवे ट्रैक इस वक्त खाली हो गया है। ठीक है, आप नजर बना के रखिए, आपसे आगे अपडेट सब लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो इस योजना का जमकर विरोध हो रहा है, योजना है अग्निपथ योजना। देखिए राजनीतिक तौर पर तो अग्निपथ योजना का विरोध मंगलवार को ही शुरू हो गया था लेकिन अब बहुत से रिटायर्ड सैन्य कर्मी भी इस योजना का विरोध कर रहे हैं। जो भी अग्निवीर में आना चाहते हैं उसमें जोश, जज्बा, जुनून चाहिए, नौकरी के लिए कृपया मत। नेता हो या विधायक हो, उसको 5 साल विधायक ही करने को मिलता है, हम लोग को 4 साल में क्या होगा सर? 4 साल के बाद हम लोग रोड पर आ जाएंगे। तो 4 साल बाद निकलेगा तो वो छाती तान के आराम से निकलेगा, जहां भी जाएगा उसको दोनों हाथ से रिसीव किया जाएगा। दावे पर पहले दिन ही बिहार से सवाल उठे। सेना में पुरानी भर्ती व्यवस्था के रद्द होने से वो छात्र सड़कों पर हैं जिनकी भर्ती पिछले 2 सालों से अटकी हुई थी। ये वो अभ्यर्थी हैं जिनका दावा है कि वो सेना का फिजिकल और मेडिकल एग्जाम क्लियर करके बैठे हुए हैं, लेकिन अब सरकार ने अचानक पुरानी सारी भर्तियां रद्द कर दी हैं। बिहार के बक्सर, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर में आज ये अभ्यर्थी इस नई भर्ती प्रक्रिया का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए। सेना में युवा को 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा, 4 साल में से 1 साल तो युवाओं के ट्रेनिंग में गुजर जाएगा, उसके बाद 3 साल के लिए युवाओं को जॉब मिलेगा, जिसके उसके बाद 4 साल के बाद युवाओं को इसमें से रिटायर कर देगा
कर दिया जाएगा, जिसके बाद पेंशन भी युवाओं को नहीं मिलेगा। तो चार साल के बाद वही युवा बेरोजगार हो जाएंगे और उन्हें घर बैठना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि सरकार पुराने तरीके से ही सेना भर्ती को पुनः चालू करें। छात्रों की शिकायत है कि 2 साल पहले वो जो एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं उसे अचानक क्यों रद्द किया गया। 2 साल पहले मेडिकल और फिजिकल क्वालिफाई कर चुके हैं और हम लोग का एग्जाम पेंडिंग में डालकर रखा गया, 2-3 बार एडमिट कर दिया गया, उसके बाद एग्जाम को रद्द करने का भी कर दिया गया है और बोल रहा है कि 4 साल के लिए सेना में भर्ती होगा। और हम सर ये पेंशन वगैरह ये सब हटाया जा रहा है, एक नेता 3 पेंशन उठा रहा है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हम लोग का मांग है जो बंद किया जाए, DOD वापस ले और एग्जाम शुरू किया जाए। पर सवाल सिर्फ इस विरोध का नहीं है बल्कि उन सवालों का है जो इस नई भर्ती प्रक्रिया पर उठ रहे हैं। सेना का दावा है कि उसने अपनी औसत उम्र कम करने के लिए ये फैसला लिया। Today we see that the average age of an Indian Army soldier is approximately 32 to 33 years, and with the Agniveer and the Agnipath scheme coming into the fold, in around 8 to 10 years we'll be able to lower the profile of the soldier to approximately 24 to 26 years, and this will only make the army fitter. We'll be able to handle more challenging situations that we come across in the difficult areas that our troops operate in. सबसे प्रमुख सवाल ये पूछा जा रहा है कि 4 साल बाद जब इन युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी तो वो क्या करेंगे। इसका जवाब आज सेना की तरफ से दिया गया। को जॉब मिलने की बात हम सोच रहे हैं वो इतना आसान नहीं होगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो 4 साल के बाद वो जॉब ना मिले और वो एक मिनियल जॉब करें जैसे सिक्योरिटी गार्ड या कहीं ना कहीं एंटी सोशल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो जाएं अपने आप को जिंदा रखना या अपने आप के कुछ कमाई करने के लिए। इसलिए मुझे लगता है गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि क्या हम इनको लेटरली इंडक्ट कर सकते हैं सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स में। हमारी भारत फोर्स बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने भी बोला है कि जैसे ही ये लोग बाहर आएंगे मैं इनको दोनों हाथ से इनको कबूल करने के लिए तैयार रहूंगा। यानी कहने का ये मतलब है कि 4 साल की ट्रेनिंग और वो भी फौज के साथ जिसमें इतना बड़ा देखिए मॉरल वैल्यूज जिसको हम बोलते हैं, इथॉस बोलते हैं, जो एथिक्स बोलते हैं, जो एक समाज में जो हमने इतना बड़ा एक डिसिप्लिन आपका एक जो हम एक दर्जा हासिल करेंगे इसको आगे आने वाले दिनों में दोनों हाथ से सब कोई पूरा समाज कबूलेगा। तो बाकी जहां तक सवाल है 4 साल के बाद कोई गलत रास्ते पे जा रहा है, 40 साल बाद जा रहा है, 50 साल बाद जा रहा है, वो तो देखिए आपके और मेरे बलबूते के बाहर है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब जवान की नौकरी ही 4 साल की होगी तो क्या वो लड़ पाएगा, क्या उसके अंदर वो डेडिकेशन आ पाएगा। दो जो दुश्मन हैं वो आपके नॉर्थ में चीन है और वेस्ट में पाकिस्तान, वो करीब करीब 7 से 10% अपना GDP का डिफेंस बजट में खर्च करते हैं। तो ऐसे में आपको जो टूर ऑफ ड्यूटी या अग्निपथ से जो लोग आएंगे अग्निवीर, वो 4 साल के लिए आएंगे तो वो इतना जज्बा मुझे लगता नहीं, नाम नमक और निशान की जो बात होती है फिर वो सोचेंगे, क्योंकि जिसका जो आज की तारीख में जो जवान है वो अपनी जान को हथेली में लेके चलता है, अपनी देश की सेवा के लिए अपनी जान निछावर कर सकता है। मगर ये जो 4 साल के लिए अग्निवीर आएंगे उनको पता है कि वो 4 साल के बाद दोबारा एक एनवायरनमेंट में जाएंगे, समाज में जाएंगे, तो वो एक डर पैदा है उनको कि उसकी फैमिली का क्या होगा 4 साल के बाद। जब हम रिक्रूटमेंट रैली करते हैं तो आप देखेंगे क्या होता है, मेरिट लिस्ट बनती है, बहुत लोग बोलते हैं साहब मैंने तो अपना फिजिकल भी पास कर लिया था और मेरे ख्याल से रिटर्न भी मेरा पास था बट मुझे बुलाया नहीं गया। उसी प्रकार से ऑफिसर्स की SSB होती है, उसमें भी आप देखिए क्या होता है कि आप एग्जाम पास कर जाते हैं बट आपको कॉल अप लेटर नहीं आता है। ऐसा तो है नहीं कि मेरिट जो नहीं आता है इसका मतलब कि वो नाकाबिल है, वो तो एक सोचने का नजरिया है। जब हमारे होम मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं कि जो 25 सेलेक्ट हो जाएंगे वो ठीक है, बाकी को हम लेने के लिए तैयार हैं, तो ये कैसी बातें कर रहे हैं आप। वैसे अग्निवीरों के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ऐलान भी शुरू कर दिया है। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी ऐसे जवानों को राज्य सरकार की नौकरी में प्राथमिकता देने का ऐलान किया। विश्वास दिलाता हूं कि जो 75% ऐसे वीर सैनिक अगर वापस आने के पर सरकारी नौकरी चाहते होंगे तो उनको वरीयता दी जाएगी या अन्य काम करने के लिए भी उनके लिए वरीयता की योजनाएं बनाई जाएंगी। बहुत से ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि 4 साल की ट्रेनिंग में
जब इन जवानों को सारे हथियार चलाने सिखाए जाएंगे तो कहीं ये गलत दिशा में तो नहीं चले जाएंगे? इसका जवाब भी फौज की तरफ से दिया गया। 75% है जो जब आप उनको निकालेंगे, आप उनको क्या रिहैबिलिटेशन देंगे? जब उसको ट्रेनिंग आपने आर्म्स एमिनेशन वगैरह की दे दी, और ये हमने पीछे भी देखा है कि जो कई ऐसे लोग हैं वो जाके नक्सल्स के साथ मिले हैं, क्या हम देश के अंदर ट्रेंड नक्सल्स पैदा करेंगे? फिर आधा जब ग्लास होता है तो आपको देखना है आधा ग्लास है या आधा खाली है, भरा है या खाली है। तो अगर आप सिर्फ खाली की तरफ देखेंगे तो खाली नजर आएगा, नेगेटिव नजर आएगा, अगर आप उसको भरा देखेंगे तो पॉजिटिव नजर आएगा। सबसे बड़ी चीज ये है कि भारत देश इतना बड़ा सिविलाइजेशन है, तो अगर आप लंबे रास्ते में देखिए, अगर 4 साल वो ट्रेनिंग करेगा तो वो हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। ABP News आपको रखे आगे।